Welcome to a new Crash Course series on Modern Critical Theory. In this series we will discuss all important modern critical theories one by one in a separate video. In this lesson, I am going to talk about introduction to modern critical theory. Before I start with this lesson, I request you to all to like, share and subscribe to our channel and also press the bell icon for all updated lessons regarding English language and literature.

थेरी हमारी अजम्पन्स हमारी नोशंस हमारा नॉलेज और हमारी विजन को कहते हैं यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में हमारी जो अजम्पन्स होती हैं कि ये चीज़ इस तरह है इस तरह क्यों नहीं है और इसको इस तरह होना चाहिए इसके लिए जब हम एक फैक्ट्स को जनरेट करने से पहले यानी रूल्स और प्रिंसिपल्स को जनरेट करने से पहले जब हम कोई हाइपोथसिस बनाते हैं यानी कि एक माइंड में हम उसका मैप बनाते हैं कि ये चीज़ इस तरह की इस चीज़ के बारे में इस तरह होना चाहिए यानी हमारा जो विज़न है हमारी एजम्पन्स हैं उस चीज के बारे में उसको हम थेरी कहते हैं अब देखते हैं कि मॉडर्न क्रिटिकल थेरी क्या है क्रिटिकल थेरी क्रिटिकल थेरी इज द बॉडी ऑफ आइडिया एंड मैथड्स वी यूज इन द प्रैक्टिकल रीडिंग ऑफ लिटरेचर लिटरेरी थेरी लिटरेरी थेरी इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द अंडरलाइंग प्रिंसिपल वन माइट से द टूल्स बाय विच वी अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड लिटरेचर अब देखते हैं कि लिटरेरी थेरी क्या है लिटरेरी थेरी हमारे पास एक ऐसा टूल है जिसको हम लिटरेचर को एनाल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं आगे फर्डर इसको डिस्कस करते हैं you can better understand literary theory is a description of the underlying principle underlying principle ka matlab kya hota hai yani ki jab aap koi literary piece padh rahe hain padh rahe for instance aap novel ya drama ya koi bhi poem padh rahe hain just aap usko read karne ke baad jab usse आप कोई भी effect या उसे अपनी assumptions निकालते हैं कि इस work में आपने क्या read किया आपको इससे क्या समझ आई जब आपकी उस अंडरस्टैंडिंग को आप डिफरेंट तरीक़ों से अंडरस्टैंड करने के लिए जो भी टूल्स इस्तेमाल करेंगे उसको हम लिटरेरी थेरी कहते हैं आगे फर्दर हम इसको देखेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ आएगी कि लिटरेरी थेरी क्या है इसको किस तरह यूज़ करते हैं द प्रैक्टिस ऑफ लिटरेरी थेरी बिकम आ प्रोफेश प्रोफेशन इन द ट्वेंटी सेंचुरी यानी कि जो लिटरेरी थेरी है वो ट्वेंटी सेंचुरी में डिवेलप हुई इससे पहले हम लिटरेरी क्रिटिसिज़म पढ़ते हैं यानी कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म और लिटरेरी थेरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है लिटरेरी क्रिटिसिज्म होता है जो कि एक स्पेसिफिक ऑथर जो होता है किसी पीस ऑफ वर्क या किसी रूल्स के बारे में भी बताते हैं कि ये वर्क इस तरह का होना चाहिए जैसे कि अरिस्टोटल हैं प्लाटो हैं इसलिए लॉन्गजाइनस हैं मैथ्यू मैथ्यून हैं इन्होंने अपना क्रिटिसिज्म लिखा है किसी पर्टिकुलर यौनरा के ऊपर यानी जब आप किसी यौनरा के लिए कोई कोई भी रूल्स स्पेसिफाई करते हैं जैसे अरिस्टोटल ने अपने पॉलिटिक्स में बताया कि ट्रेजिडी किस तरह होनी चाहिए ट्रेजेडी के कौन से पार्ट्स हैं करेक्टर क्या होता है प्लॉट किस तरह का होता है तो वो सब कुछ लिटरेरी क्रिटिसिज्म है यानी क्रिटिसाइज कर करना होता है किसी भी जानरा को क्रिटिसाइज को हम सिर्फ नेगेटिव वे में नहीं बल्कि पॉजिटिव वे में भी किसी भी चीज़ का क्रिटिसिज्म कर सकते हैं लेकिन जो लिटरेरी थेरी है वो इसके टोटली अपोजिट है यानी कि आप डिफरेंट वे से किस तरह लिटरेचर को अंडरस्टैंड करते हैं किसी भी पीस ऑफ वर्क को आप कितने तरीक़ों से देखते हैं कि एक राइटर ने जो एक वर्क लिख दिया उसके बाद जो कुछ भी आपने इसे डिराइव करना है इट्स अप टू यू आगे फर्दर इसको देखते हैं लिटरेरी थेरी जो है जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि ये थेरी एजम्पन्स और नोशन से निकली है और उसके बाद अंडरलाइन प्रिंसिपल्स जो होते हैं हमारे पास हम उसको किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस चीज़ को हम लिटरेरी थेरी कहते हैं अब लिटरेरी थेरी को देखते हैं इसको हम यूज़ क्यों करते हैं लिटरेरी थेरी को हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमें इस चीज़ का आइडिया हो कि जो ऑथर है उसने जो अपना वर्क लिखा उस वर्क को लिखने के बाद उसने रीडर्स पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी है कि वो उससे उसका मीनिंग डराइव करे अब एक पर्सन एक टाइम पे एक चीज़ पढ़ने के बाद उससे कितने मीनिंग डिराइव कर सकता है इस चीज़ को हम लिटरेरी थेरी में पढ़ते हैं जैसे कि हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट जो थेरीज़ है जैसे फैमिनिज्म है स्ट्रक्चरलिज्म है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है एक्जिस्टेंशलीज्म है एक्सीट्रा इनको हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसमें जस्ट हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि लिटरेरी थेरी है क्या लिटरेरी थेरी को हम एक अ लेंस के तौर पर भी ले सकते हैं जैसे कि आपके पास किसी भी चीज़ को देखने आप किसी भी रूम में दाखिल हों या इस रूम में इस एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप इसको इस तरह समझिए कि फोनिस्टाइन से आप किसी भी कैसे रूम में एंटर हुए हैं अब इस रूम में एंटर होने के लिए इसमें कई डोर्स हैं अब आप जिस भी डोर से उस रूम में एंटर होंगे जो दूसरा पर्सन है वो किसी और डोर से उस रूम में एंटर होगा तो ये क्या होगी यहाँ पर आप रूम को एज़ आ लिटरेचर लीजिए और जो हमारे डोर्स हैं उनको आप एज़ आ लेंस लीजिए जो कि हमारे पास लिटरेरी थेरी हैं यानी कि जब आप एक रूम में डिफरेंट डोर से एंटर हुए आप एंटर तो रूम में हुए लेकिन आप डिफरेंट डोर्स के थ्रू उसमें एंटर हुए जो कि राइट लेफ़्ट डोर्स हैं और उसके अंदर आप किसी भी रूम के अंदर एंटर हो रहे हैं लेकिन जो पर्सन किसी भी डिफरेंट डोर से उसके अंदर एंटर होगा यानी कि उसका जो आ, उसके अंडरस्टैंडिंग का लेवल है वो दूसरे पर्सन से और होगा यानी कि वो रूम की किसी और साइड से एंटर हुआ है आप किसी और साइड से एंटर होते हैं तो इसी तरह सेम हम लिटरेरी थेरी में भी ये करते हैं कि जब आप एक किसी लिटरेचर को यानी पीस ऑफ आर्ट को जब आप एनालाइज करते हैं तो आप उसको डिफरेंट लेंथ से एनालाइज़ करेंगे और जो थेरी का कॉन्सेप्ट है वो स्पेसिफाई uh, तो ट्वेंटी सेंचुरी में स्टार्ट हुआ लेकिन इसको अगर हम एनशेंट टाइम में भी देखें तो जो हमारे फ़िलासफ़र्स हैं इन्होंने थेरी का कॉन्सेप्ट दिया जैसे कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस पर इन्होंने बात की वर्ल्ड यूनिवर्स uh, की एग्जिस्टेंस पर इन्होंने बात की कि इंसान किस तरह बना इंसान का मकसद क्या है इसी चीज़ को मोडिफाई फॉर्म में ट्वेंटी सेंचुरी में लिटरेरी थेरी के नाम से इसको हम लिटरेरी थेरी या मॉडर्न क्रिटिकल थेरी भी कहते हैं इसमें हम जैसे क्या करते हैं कि आप एक पीस ऑफ लिटरेचर को डिफरेंट लेंस के थ्रू एनालाइज करेंगे अब एग्जांपल के तौर पर हम एक वर्क को देखते हैं ताकि आप इसको बेटर अंडरस्टैंड कर देंगे कि लिटरेरी थेरी क्या है और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर हम ए, एक नावल थिंग्स वाला पार्ट बाय चिनवा एच पी अगर हम इस नावल को एनालाइज करना चाहें तो इसके अंदर हम कौन कौन सी थेरीज़ अप्लाई कर सकते हैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो इसके अंदर हम पोस्ट क्लोनियल थेरी को अप्लाई करेंगे पोस्ट क्लोनियल एक कॉन्सेप्ट है जो आगे फर्दर हम ए, इन सेपरेट वीडियो में भी देखेंगे कि पोस्ट कलोनियल क्या है और पोस्ट कलोनियल लिटरेचर जो, जो लिखा जाता है वो किन किन राइटर्स के थ्रू लिखा गया है और इसका पर्पज़ क्या है वैसे इन शॉर्ट पोस्ट कलोनियलज्म में हम यानी कि जब किसी भी कंट्री को कॉलोनाइज़ किया जाता है यानी कि जब उसके ऊपर कोई रूल कर रहा था और उसकी इंडिपेंडेंस के बाद जो वहाँ पर लिटरेचर लिखा जाता है उनके राइटर्स के थ्रू उसकी स्टडी को हम पोस्ट कलोनियलिज़म कहते हैं थिंग्स फॉलो पार्ट चिनवा एच पी में जो हमें करैक्टर दिखाया गया है अकाउो अगर हम इस नावल को पोस्ट कलोनील पर्सपेक्टिव यानी पोस्ट कलोनियल के लेंस से देखें तो हम इसमें देखेंगे कि किस तरह जो ब्रिटिश हैं वो वहाँ पर आए उनके एर, ए, उसमें Uh, उनके सिटी में आए और किस तरह उन्होंने उनको एक्सप्लॉयट किया उनके uh, उनके कल्चर को किस तरह उन्होंने इन्फीरियर दिखाया और ख़ुद को सुपीरियर दिखाया उनके रिलीजन को इन्फीरियर दिखाया उनकी नॉर्म्स ट्रेडिशंस को किस तरह उन्होंने दिखाया कि और एट दी एंड वो उन पर रूल करना स्टार्ट कर देते हैं और वो लोग जो हैं वहाँ पे वो भी इस चीज़ को एडमायर कर लेते हैं कि हमारा कल्चर हमारा रिलीजन जो है वो इन्फीरियर है और ये लोग सुपीरियर हैं तो अगर हम इस नावल को पोस्ट को के इनके परस्पेक्टिव से देखें तो हम यहाँ पर इसको, इसको इससे एनालाइज़ करेंगे जस्ट हम इसके अंदर इनकी कुछ टर्म्स हैं वो फर्दर हम इसके सेपरेट लेसन में डिस्कस करेंगे जैसे हम यहाँ एग्ज़ाम्पल के तौर पर देख रहे हैं लेकिन अगर हम इसको फेमिनिज्म के पर्सपेक्टिव से देखें जो फेमिनिज्म होंगे यानी फेमिनिज्म की थेरी से जो बिलोंग करते हैं फेमिनिस्ट इसके अंदर वो वो वीज़ एनालाइज़ करेंगे कि जो उनका कल्चर है अफ्रीकन का आ, क्योंकि बेसिकली अफ्रीकन पे बिलोंग करता है नावल तो उसके ऊपर वो क्या एनालाइज़ करेंगे कि वहाँ पर जो वुमेन हैं उनको किस तरह ट्रीट किया जा रहा है उनके साथ कैसे बिहेव किया जाता है उनको किस तरह एक्सप्लॉयट किया जाता है जैसे कि अकोंगो के थ्रू हमें दिखाया गया है कि वो खुद को सुपीरियर और वुमेन को इन्फीरियर खाता है कि वो उसके साथ जस्ट उसका उसको ओबे करेंगी और किसी भी पोलिटिशन या किसी भी और उसके अंदर उसको सर्व नहीं करेंगी और इसी तरह जब बाज़ात इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी दिखाएंगे जब अकोंगो अपनी वाइफ को बीट करते दिखाई देता है तो यहाँ पर हमें फैमिनिज़म का एस्पेक्ट दिखाई देता है जिसमें कि वो अपने जो उसकी उसकी बेटियाँ हैं बेटी को अपने बेटों पर फोकियत देता है तो यानी कि वो उनको सुपीरियर दिखाता है अपने बेटों को और बेटियों को वो इन्फीरियर दिखाता है तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं कि ये यह यहाँ पर हमें फैमिनिज़म का टच दिखाई देता है लेकिन अगर हम इसको एक और पर्सपेक्टिव से देखें यानी कि अगर इसमें साइको एनालिसिस को देखें जो एक साइको अनालिस भी लिटरेरी क्रिटिसिज्म की ये मॉडर्न क्रिटिकल थेरी की एक इम्पॉर्टेंट थेरी है जिसमें हम किसी भी करैक्टर को उसकी साइकोलॉजिकल जो उसकी नेचर होती है उसके थ्रू एनालाइज करते हैं कि एक करेक्टर की जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो किस तरह इसको साइको एनालिसिस में देखा जाता है तो इसको भी हम इस पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं कि जो अकाउों की उसके ड्रीम्स हैं उसके जो कॉन्शियस सब कॉन्शियस वगैरह इनको हम जैसे साइकोलॉजी में रीड करते हैं इसको इसके साथ भी स्टडी कर सकती हैं हमने भी इसकी एक एग्जांपल देखी कि लिटरेरी थेरी क्या है थेरी किसको कहते हैं और ये किस तरह हम यूज़ करते हैं और इसका पर्पस क्या होता है इसको लिटरेरी थेरी का पर्पस ये होता है कि आप जब आपके पास कोई भी लिटरेचर आ रहा है तो आप उसको कितने पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्योंकि एक जब ऑथर है वो एक वर्क लिख देता है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है रोलन बार्थे का अडेट ऑफ दी ऑथर यानी कि वो इसमें क्या बताता है कि जब एक राइटर ने एक वर्क लिख दिया तो उसके बाद उस राइटर की मौत हो जाती है तो लेकिन उसके बाद जो किसकी होती है बर्थ होती है बर्थ ऑफ दी रीडर्स यानी कि एक ऑडियंस जो हम होते हैं जो हम उस वर्क को रीड करते हैं हम पर ये डिपेंड करता है कि आ, हम उस वर्क को किस तरह अंडरस्टैंड करेंगे और किस तरह उसको यूज करेंगे इसीलिए ये थेरीज यूज की जाती हैं कि जब हमें इन थेरीज के बारे में पता होगा कि ये थेरीज हैं एक वर्क को हम इस तरह एनालाइज कर सकते हैं जस्ट हम उस वर्क में उसकी थीम्स को नहीं देखते उसके सिंबल्स को नहीं देखते उसके, नहीं देखते उसके राइटर्स का बैकग्राउंड नहीं देखते राइटर की एज नहीं देखते ये सब भी इसके साथ मैटर करता है लेकिन इनके अलावा हमें लिटरेचर को एक न्यू पर्सपेक्टिव से देखने का मौका मिलता है कि हम लिटरेचर को किस किन किन तरीकों से एनालाइज़ कर सकते हैं कि एक लिटरेचर में हमें किस तरह के एलिमेंट मिलते हैं जैसे कि अगर आप किसी वर्क में क्लास स्ट्रगल के बारे में देख रहे हैं कि उसमें डिफरेंट क्लासेस दिखाई गई हैं कि अपर लोअर क्लास मिडिल क्लास जो अपर क्लास है वो लोअर या मिडिल क्लास को एक्सप्लॉयड कर रही है उसको उसके ऊपर रूल कर रही है उन राइट्स को एक्सप्लॉयट कर रही है तो इस तरह इसको हम मार्क्सिज्म के पर्सपेक्टिव में देखेंगे जो कि थेरी दी है कार्ल मार्क्स ने कि मार्क्सिज्म में हम क्या देखेंगे कि किस तरह जो राइट क्रिटिक्स हैं उन्होंने हमें यह बताया कि जो आजकल एक्सप्लॉयटेशन हो रही है कि अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर क्यों होता जा रहा है लेकिन इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए अगर आप किसी वर्क में इस तरह का कुछ पर्स्पेक्टिव देखते हैं तो उसको हम मार्क्सिज्म के पर्सपेक्टिव से देखेंगे एक्सेट्रा इस तरह के ये जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो लिटरेचर में हमें दिए जाते हैं बस हम पर डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह एनालाइज करें ये शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था लिटरेरी मॉडर्न क्रिटिकल थेरी के बारे में नेक्स्ट हम थेरीज uh, को स्टार्ट करेंगे उनके उनका इंट्रोडक्शन देखेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स उसमें देखेंगे कॉन्सेप्ट देखेंगे और कुछ क्रिटिक्स देखेंगे और एट दी एंड एक वर्क के साथ उसको एनालाइज भी करेंगे ताकि आपको समझ आए कि किसी भी वर्क को अगर आप किस थेरी के साथ एनालाइज करना चाह रहे हैं तो आप उसको किस तरह एनालाइज़ करेंगे थैंक्स फॉर स्टे मोटिवेटेड हैव अ गुड डे